बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है प्रूव दैट। क्या लिखा है? प्रूव दैट ये रकम है sin स्क्वायर इनटू पाई प्लस थीटा 10 ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा इनटू cosec इनटू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सादा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ हमने पहले स्टेप बाय स्टेप इसे लेना है। जैसा कि हम इसे लेते हैं, देखते क्या है, देखते हैं हम sin square इनटू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं sin इनटू थीटा प्लस सॉरी पाई प्लस थीटा होल द स्क्वायर। क्लियर? होल द स्क्वायर। तो अब देखिए, अभी जो पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा 180 को क्रॉस कर जाता है। जो 180 है प्लस थीटा, 180 को क्रॉस कर गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि ये पाई है, ये साइन रहा मगर माइनस साइन हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव हैं। माइनस साइन आ गया और इसका मतलब जो हम लिखेंगे, हम कहेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने से ये आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? फिर देखिए, sin स्क्वायर इनटू पाई प्लस थीटा है इज इक्वल टू sin, अभी जो sin का स्क्वायर है अल्टीमेटली थीटा पर चला गया, पाई प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चूंकि ये 270 के क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये है भी पाई इवन मल्टीपल है, sin का sin रहेगा, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में sin जो है ये माइनस होता है, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इधर थीटा लिखा है, इसी का एंगल ये फाइंड आउट हुआ है हमारा। अब हमारी बात आ गई tan tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 270 को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और 270 और नंबर में आ रहा है, और इवन ऑफ मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। तो अब tan मालूम करेंगे तो क्या मालूम होगा स्टूडेंट? डेफिनेटली tan मालूम करेंगे तो cot मालूम होगा, cot होगा, और ये 270 प्लस थीटा है, तो यहां से cos पॉजिटिव है, क्योंकि 3 बाय 2 जो है वो ये 270 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जब उसमें प्लस कोई भी थीटा होगा तो 270 को क्रॉस करके 360 वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और वहां से cos पॉजिटिव है, बाकी सारे माइनस है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, 10 की जगह cot आएगा मगर माइनस cot आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot जो है वो माइनस है, माइनस थीटा, माइनस cot थीटा इसका आंसर आ गया। हम चलते हैं cot स्क्वायर 3 बाय 2 माइनस थीटा, cot square of 3 pi by 2 minus theta। तो ये एक दफा फिर odd numbers में है, यहाँ 10 find out हो जाएगा, यहाँ क्या find out हो जाएगा 10। तो आइए पहले इसको देखते हैं कि इसका क्या निकलेगा, तो इस equal to 10, और ये third quadrant में आएगा, 270 से minus theta करेंगे तो third quadrant में आएगा, third quadrant के अंदर students 10 होगा तो positive होगा, और cot की जगह 10 से है, क्योंकि ये odd number of multiple है, right angle triangle, ये मैं काफी दफा आपको बता रहा हूं, हर दफा बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका आंसर आ गया 10 थीटा, यानी इस पूरी इक्वेशन का आंसर 10 थीटा आ गया। अब नेक्स्ट है cos स्क्वायर इनटू पाई माइनस थीटा, cos स्क्वायर इनटू पाई माइनस थीटा, ये वाला यानी कि दिस वन। अब मैं लिख लूं इसका आंसर, एक तो ये आया है, एक आंसर हमारा ये आया है, एक आंसर हमारा ये आया है, और अभी हम 1 2 1 2 3 4 की तरफ जा रहे हैं, cos स्क्वायर इनटू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा जो है हमारे माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और
pi है और ये second quadrant है, second quadrant में सिर्फ sine positive है, बाकी सारे सारे negative हैं, तो ये minus cos square theta आपका जो है, ये answer आएगा minus cos square theta, क्योंकि cos square चल रहा है इसके साथ। अब आपका cos secant आ गया और no real cos secant जो है, वो cos का ही ये sine का जो है, ये वो होता है inverse होता है, तो cos secant जो है secant square है अगर check कर लूँ तरह मैं mount से देखे no square नहीं है तो ये आगे cosecant 2 pi minus theta cosecant of 2 pi minus theta अब ये देखिए students cosecant जो है वो sine का inverse है ये तो आप जान लिए हैं cosecant sine का inverse है 2 pi minus theta ये कहाँ आ रहा है ये students आ रहा है fourth quadrant के अंदर और fourth quadrant में जो cos है सारे साइन जो है वो नेगेटिव है अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा ठीक है ये माइनस कोसेकेंट थीटा ये आपका फिफ्थ जो है ये आपका आंसर आ गया ये आपका फोर्थ आंसर आ गया तो ये स्टूडेंट देखा कि हमने इन तमाम जो के फ्रैक्शन के अंदर गिवन थीटा से अलाइन एंगल से उन तमाम की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है आप भी प्लीज इन्हें नोट कर लें इससे अगले ट्रैक के अंदर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा इन तमाम वैल्यूज को मैं इसी इक्वेशंस के अंदर पुट करूंगा और पुट करने के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन cos थीटा के इक्वल आएगा तो आइए चलते हैं आगे तो क्या आप जरा नोट कर लीजिए मैं अगले ट्रैक में करवाता हूं स्टूडेंट्स आपसे